आज हम लोग चोर बाजार में आए हैं और उसके बाद हम लोग कूड़ा यानी कचरे में किसी ने कोई ये दो सोफे और बढ़िया सा बेड डाला है वो हम पिकअप करेंगे। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं चोर बाजार से। अगर आप चोर बाजार में जाएं और आप अगर सुबह में 9 बजे चले जाएं तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको एकदम सस्ते दामों में मिल जाएगी। अगर आपके $100 है आपके पास और आपने अच्छी तरह उसको खर्च किए तो $100 में पूरा का पूरा बढ़िया सा ब्रांड न्यू घर आपको अमेरिका में बस जाएगा। कई लोग जब इंडिया से आते हैं और नए नए इमिग्रेंट होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सूटकेस से भर भर के आते हैं। यहाँ पे सूटकेस भर भर के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जॉब के लिए कई बार मूव किया और आपको मैं बताता हूँ, कई बार तो मैं खाली छोटी सी कार में मूव करता हूँ और जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो चोर बाजार यानी कि फ्ली मार्केट में पहुँच जाता हूँ और बढ़िया सी चीज़ें एकदम सस्ते में मिल जाती है। ऐसा मत सोचना कि ये सब चीज़ें खराब होती है और कोई फॉल्ट वाली है, इनके पास बहुत सारे पैसे है। अगर उनके पास 36 इंच का टीवी है तो उनको 42 इंच का टीवी चाहिए बड़ा और अच्छा सा, तो ये लोग ऐसे ही छोटे से सस्ते दामों में बेच देते हैं। तो मैं बताता हूँ, देखिए ये प्लेट है कितनी बढ़िया, एकदम पूरा का पूरा सेट है, 50 सेंट का सेट मिल जाएगा। ये सब मिक्सचर, ये छोटे छोटे डब्बे आपको 5-10 सेंट में पूरा का पूरे सब सामान मिल जाएगा। बच्चों के खिलौने देखिए आप कितने सारे, अगर आप नया खिलौना लेने जाओगे तो करीबन आपको $70 से $80 लगेंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको फ्री में दे रहे हैं क्योंकि उनको बस खाली घर में जगह करनी है। ये आयरनिंग टेबल है, आयरनिंग टेबल की नए की प्राइस करीबन $35-40 होंगे और ये $1-$1.50 में मिल जाते हैं पूरा का पूरा। ये हम लोग अभी फर्नीचर सेक्शन में आए, देखिए आप यहाँ पे माइक्रोवेव पड़ा हुआ है बढ़िया सा एकदम हाई क्लास। अभी ये देखो माइक्रोवेव, उसकी प्राइस देखा था मैं, देखो एकदम मेरे ख्याल से $3 या $4 का कुछ माइक्रोवेव, एकदम नया, कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। तो ये चीज़ है, ये टेबल देखिए पूरा $5 में टेबल, लेकिन आप अगर वहाँ पे बार्गेन करेंगे तो आपको ये टेबल 50 सेंट में देगा। ये सोफ़ा, ये डाइनिंग टेबल, सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही मुफ्त और सस्ते के भाव में मिल जाती है। यहाँ से इंडिया से सामान उठा के लाना कोई ज़रूरी नहीं है। सोफ़ा, लैंप, डाइनिंग टेबल, सूट के सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। कई कई लोग जो इंडिया से आते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नाइकी और ये बड़े बड़े जैकेट पहनते हैं, लेकिन आप उनका बैंक बैलेंस देखें तो खाली रहेगा। इस देश में अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपके बैंक में कितने पैसे हैं वो ज़रूरी है बहुत। यहाँ आपके आपका एक ही दोस्त है, वो है आपका पैसा। पैसे के यहाँ बिना यहाँ पर कोई किसी को कोई पूछता नहीं है, तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। और पैसा बचाने की नंबर 1 की क्या है कि आपको शॉपिंग में अच्छी से तरह से बढ़िया से पैसे बचाने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 3 या 4 अलग अलग इनकम है। मेरी क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब है और मेरी ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है, यूट्यूब है, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, मैं अमेज़ॉन से मेरे 4 या 5 की एकदम इनकम आती है। और मैं बताता हूँ, मेरी जो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी आती है उसमें से 80-90% डायरेक्टली सेविंग्स में होते हैं। देखिए बढ़िया सी प्लेट, इसमें कोई फॉल्ट दिख रहा है, एक पूरा का पूरा सेट आपको ये लोग 50 सेंट में दे देंगे और इसको आपको घर में ला के वॉश कर देंगे तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। देखिए सोफ़ा चेयर, $1-$2 में इनको खाली करना है। तो मैं आपको ये अच्छी तरह सलाह देता हूँ, अगर आप नए इमिग्रेंट हैं तो कृपया करके थोड़े पैसे बचा लीजिए शुरू में, क्योंकि शुरू में अगर आपने ब्रांड नेम का बहुत ही शौक रखा और पैसे खर्च लिए गए तो मैंने बहुत सारे उल्लू के पट्टे देखे हैं, 50, 60 और 70 साल की उम्र में भी ये लोग CV या रेज्यूमे बनाते रहते हो और $10-15 की जॉब करते हैं। मैं बताता हूँ, करीबन इतने सालों में जितने भी पैसे बनाए खाली बैंक में जमा किए और अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने से आपके पांव फॉर्म में मजबूत हो जाएंगे। ऐसे पागलों जैसे नाइकी या रिबॉक को पैसे वाले मत बनाइए, अपने आप को पैसे वाला ही बनाइए। देखो ये छोटा सा बढ़िया सा खिलौना है बच्चों के लिए, खाली $50 में मिल जाएगा। कितनी सारी किताबें यहाँ पे, सब पागलों की तरह किताबें खरीदते हैं लेकिन कोई पढ़ता वढ़ता है कि नहीं मालूम नहीं। भैया मैंने कुर्सी तो बहुत सस्ते बाबा में ले ली, लेकिन अब ये गाड़ी में जाए कि नहीं वो देखते हैं। ये पिछली सीट में डालनी पड़ेगी। कृपया करके मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आपने कभी सेकंड हैंड चीज़ इंडिया में ली है। मैं इंडिया में जाता हूँ तभी भी मैं सेकंड हैंड चीज़ ही ढूंढता हूँ, क्योंकि कई बार बड़ी अच्छी चीज़ें सेकंड में मिल जाती है।
अभी हम लोग कूड़े के ढेर में बैठे हैं। देखा हो, मैं बताता हूँ यहाँ पे कितनी बढ़िया सी एकदम फर्स्ट क्लास सी पूरा सा, देखो पूरा का पूरा सेट किसने डाल दिया है। यहाँ पे दो बढ़िया से सोफे और एक बढ़िया सा जो बेड पड़ा है, अगर आप बेड ले तो उसको अच्छी तरह क्लीनिंग कर दीजिए, उसको उनको डिसइंफेक्टेंट कर लीजिए। कभी कभी उनके बस में फ्लीज या कुछ भी चीज़ हो तो आपको काट लेगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी सफाई करके घर पे ले जाए। लेकिन ज़्यादातर कौन सा नेबरहुड, अगर आपको अच्छा सा एरिया होगा वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल जाती है। देखो कितना फर्स्ट क्लास है। बताओ मेरे को इसमें आपको कोई फॉल्ट दिखता है? देखो कहीं पे भी टूटा भागा, ये देखो खाली क्रीजिज है, टूटा भागा नहीं है कुछ भी, एकदम बढ़िया सी चेयर है। लेकिन आपको इंडिया में क्या है, पागलों की तरह जो काम करते हो और ये सिस्टम के स्लेव बन जाते हैं कि मजदूरी करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके लेकिन आज कभी भी रिटायर नहीं पा रहे हैं। देखो ये बढ़िया सा, ये बटन दबाएंगे तो आराम से पैर का रखने की जगह भी बढ़ जाएगी। और कई लोग ऐसे पागल भी होते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि ये पैसों की बचत करता है, ये साला कड़का है। लेकिन कड़का मैं नहीं, वो लोग पागल है कि जो पैसों का बद इस्तेमाल करते हो और पागलों की तरह वो काम करते हैं मजदूरों की तरह। मेरी लाइफ एकदम बढ़िया है, देखो आराम से, नो कोई टेंशन। आज तक मेरा गवर्नमेंट से और किसी पे भी एक भी पैसा उधार नहीं है। अगर मेरे को $2,00,000 का भी चेक डालना पड़ेगा तो आराम से बैठे से फटाक से काट के दे दूंगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके मेरी कमेंट में आप लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं, अगर आप फॉरेन में होंगे तो क्या आप सेकेंड हैंड चीज़ें लेंगे कि आप नया चीज़ें लेंगे। और क्या आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा हो सके। और कृपया करके कमेंट में लिख के बताइए कि आप कहाँ से हो और आपको वीडियो हिंदी और कौन सी भाषा में अच्छे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।